समंदर की लहरें और कराके की ठंड, यह है इंग्लिश चैनल जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। दोस्तों, मैं अपनी बहन के घर लंदन गई थी क्रिसमस की छुट्टियां बिताने। वहां करीब मैंने 15 दिन बिताए थे और इस दौरान मैं इंग्लैंड के कई शहरों में घूमने गई, जिसमें से एक ब्राइटन भी है। ब्राइटन समंदर किनारे बसा एक पुराना और खूबसूरत शहर है और ये इंग्लैंड के ईस्ट ससेक्स का हिस्सा है। लंदन से ब्राइटन की दूरी करीब 76 किलोमीटर है और करीब 1.5 से 2 घंटे में हम लंदन से ब्राइटन पहुंच गए थे। रास्ते में काफ़ी हरियाली, ब्यूटीफुल हाउसेस, हरे भरे पार्क हमें देखने को मिले। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, तो हमारी ये जो जर्नी थी ये बहुत अच्छी रही। लंदन से ब्राइटन का सफ़र बहुत ही प्यारा रहा। यहाँ मैं अपने हस्बैंड, सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ पहुंची थी। ब्राइटन पहुंचते ही सबसे पहले हम समंदर किनारे पहुंचे। समंदर देखते ही मेरा मन हुआ कि मैं लहरों में जाकर खेलूं, समंदर के अंदर जाकर मस्ती करूं, जैसा कि हम आमतौर पर गोवा में या फिर फुकेट में करते हैं। लेकिन यहाँ जो समंदर का किनारा था वो बहुत ही देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पानी। तो ऐसे में लहरों को छूने की तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने एक दो ऐसे हिम्मती लोग देखे जो कि बर्फ़ जैसे ठंडे इंग्लिश चैनल में तैर रहे थे और उनको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन काफ़ी देर तक मैं उनको देखती रही कि कैसे वो इतने ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, और उनको देखकर ही मैंने संतोष कर लिया कि चलो मैंने भी मज़े ले लिए। और समंदर के किनारे चलते चलते हम ब्राइटन पैलेस पेयर पहुँचे। ये बहुत ही पॉपुलर जगह है। आपको बताएं, यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म देसी बॉयज़ की शूटिंग हुई थी, वो एक सॉन्ग पिक्चराइज हुआ था जहाँ पे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण का गाना था। तो वैसे ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो भी ब्राइटन आता है यहाँ ज़रूर आता है। हम भी वहाँ गए और वहाँ जाते ही सबसे पहले तो हमने समंदर में डूबते हुए सूरज का नज़ारा लिया और करीब 2 घंटे तक हमने यहाँ पे वक्त बिताया। इसके बाद हमने राइड्स इंजॉय किए, या फिर साथ में हमने फ्राइड फिश और ड्रिंक्स भी इंजॉय किया, तस्वीरें क्लिक करवाई। तो ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार रहा ये। ब्राइटन पैलेस फेयर में हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। इसके बाद हम पैदल ही पूरा ब्राइटन शहर घूमने निकले। ब्राइटन पैलेस फेयर में हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ इसके बाद हम पैदल ही पूरा ब्राइटन शहर घूमने निकले। इंग्लैंड घूमने आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इस शहर की खासियत है समंदर का किनारा, पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ के खूबसूरत कल्चर, म्यूज़िक और आर्ट। इस शहर में बड़ी संख्या में LGBT आबादी रहती है। इस शहर को अनऑफिशियल गे कैपिटल ऑफ द UK भी कहा जाता है। 2021 के सेंसेक्स के हिसाब से यहाँ 18 साल से ज़्यादा की जो बड़ी आबादी, करीब 10% लोग जो हैं यहाँ पर गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल है। ब्राइटन को UK का हिप्पेस्ट शहर भी कहते हैं। UK के सबसे खुशहाल जगहों में से एक है और साथ ही ये UK के सबसे महंगे शहरों में से एक है। तो ओवरऑल हमारा ब्राइटन का ट्रिप बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे, जो घर थे, जो
जो किनारा, समंदर का किनारा, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। इस शहर को पैदल घूमने में हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया जब समंदर का किनारा और खूबसूरत नज़ारे, समंदर में डूबता हुआ सूरज, ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने काफ़ी देर तक यहाँ वॉक किया, इस शहर को करीब से जाना, और फिर शाम होते होते हम लंदन के लिए रवाना हो गए। तो ओवरऑल हमारा ब्राइटन का सफ़र बहुत अच्छा रहा।